जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मदरबोर्ड के बारे में। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी क्वेरी है कि सर मदरबोर्ड का थोड़ा ओवरव्यू बता दीजिए। तो आज हम सिर्फ आपको ये पेपर पर मदरबोर्ड दिखा रहे हैं और इसके बाद में हम फिजिकली आपको जो डेमो होगा लाइव मदरबोर्ड का वो भी दिखाएंगे, वो भी बताएंगे। तो मोटा मोटी हम मदरबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर मदरबोर्ड क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। मदरबोर्ड बेसिकली जो कंप्यूटर होता है आपका, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उनके अंदर में मदरबोर्ड पाया जाता है। वो एक अलग फॉर्म में हो सकता है, इसका शेप अलग हो सकता है और इसका साइज अलग हो सकता है। तो यहाँ हमेशा ध्यान देना है कि अगर आप कुछ भी यूज़ करते हैं, इवन आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी मदरबोर्ड होता है। बस वो उसको हम पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसको पीसीबी बोला जाता है। अगर कोई बोलता है पीसीबी तो इसको आप समझ जाइए कि पीसीबी क्या चीज़ है। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी मदरबोर्ड होते हैं या इस तरह के जो भी बोर्ड होते हैं, इनके अंदर पीछे की साइड में, बैक साइड में पाथ रहते हैं, प्रिंटेड पाथ होते हैं। एक सर्किट जैसा रहता है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से ऐसे पाथ रहते हैं। तो ये आप हमेशा देखना इसको उल्टा करके, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक पाथ होंगे जो कि आप इनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। और इसी वजह से इसका नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी पड़ा है, क्योंकि इसमें ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक पाथ होते हैं, जो बसेस होती हैं, इनको बसेस भी कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ों यानी जो भी सारी जो कनेक्टर्स हैं, जो कैपेसिटर्स हैं, कनेक्टर्स हैं, चिप्स हैं, मेमोरी हैं, स्लॉट्स हैं, सॉकेट हैं, तो इन सब चीज़ों को ये आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। तो जनरली हम बात कर रहे थे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डेस्कटॉप में ये थोड़ा बड़े साइज़ में होता है और लैपटॉप में इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि लैपटॉप कॉम्पैक्ट होते हैं, नोटबुक जो है वो कॉम्पैक्ट होती हैं। तो ये जनरली डेल का होता है, यहाँ अलग अलग कंपनी का हो सकता है, जैसे ये डेल का है, आसूस का भी देखने को मिल जाएगा आपको, और इसके अलावा इंटेल का भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है कुछ ब्रांडेड कंपनी है जो कि अच्छे मदरबोर्ड बनाती हैं। और यहाँ मदरबोर्ड का हम मोटा मोटी ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके बाद फिजिकली मदरबोर्ड में अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके लिए फिजिकली मदरबोर्ड दिखाऊंगा। उसमें आपको एक एक चीज़ मदरबोर्ड के बारे में ब्रीफ करूंगा, आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो और आपको ये चीज़ हमेशा याद रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के सीपीयू सॉकेट की। देखो ये आप देख रहे हैं, ये एक सीपीयू सॉकेट है, ये वाला। इसमें क्या है, सीपीयू को फिक्स किया जाता है, यानी जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, सीपीयू ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू को जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो सीपीयू इसका शॉर्ट नेम है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल नेम है। माइक्रो प्रोसेसर इसको जनरली लोग बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा प्रोसेसर, माइक्रो है ये। तो यहां हम बात कर रहे थे सीपीयू सॉकेट की। सीपीयू सॉकेट में यहाँ पे सीपीयू फिक्स किया जाता है और इसका ये लॉक होता है, इसको हम लगा देते हैं जिससे कि ये सॉकेट से निकले ना, और इसके ऊपर एक हीट सिंक रख दी जाती है और उसके ऊपर एक फैन लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सीपीयू जब वर्किंग करता है तब ये बहुत ज़्यादा हीट निकालता है, तो हीट हीट सिंक के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और उसके बाद में सीपीयू फैन उस हीट को कैबिनेट से यानी सिस्टम केस से बाहर फेंक देता है। तो इस तरह से सीपीयू की जो हीट है या जो भी इसके जो और चिप्स या आईसी हैं वो सारी जो है जो भी निकालती हैं हीट, वो सब सीपीयू फैन और जो एडिशनल फैन लगे होते हैं वो उनको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। और हमेशा इसीलिए ध्यान रखा जाता है कि जहाँ आजकल तो जनरली बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, जब नए नए कंप्यूटर आए थे तो उस समय कंप्यूटर लगाने से पहले एसी वगैरह लगाए जाते थे ताकि वहाँ का टेम्परेचर ठीक रहे, कंप्यूटर हैंग ना हो, कंप्यूटर हीट ना हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ होती है इसके अंदर, वो होता है ये आईजीपी स्लॉट, देख रहे हैं आप हीट सिंक के साथ में। इसको ये नॉर्थ ब्रिज है, एक्चुअल में इसको नॉर्थ ब्रिज बोला जाता है। नॉर्थ ब्रिज का काम होता है कि डायरेक्ट ये सीपीयू से कम्युनिकेट करता है, यानी अगर यूज़र कोई टास्क दे रहा है कीबोर्ड माउस से या वॉइस की फॉर्म में, तो वो सबसे पहले नॉर्थ ब्रिज तक आएगा, नॉर्थ ब्रिज उसको होल्ड करेगा और फिर सीपीयू को फॉरवर्ड करेगा, और इनके बीच में, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा और जहाँ जिस चीज़ को यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा डेटा का, वो इस नॉर्थ ब्रिज के थ्रू ही होगा। तो ये सीपीयू का मेन असिस्टेंट होता है। बहुत आपने कम देखा होगा कि
किसी वीडियो में आपको बताया गया हो, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि नॉर्थ ब्रिज का काम होता है सीपीयू को असिस्ट करना। तो ये एक चिप होती है, बेसिकली एक बहुत बड़ी सी चिप होती है। इसके अंदर सीपीयू के बाद अगर कोई सबसे बड़ी चिप होती है तो वो नॉर्थ ब्रिज होता है, और इसके बाद ये साउथ ब्रिज होता है। तो नॉर्थ ब्रिज की तरह साउथ ब्रिज भी काम करता है, ये बाकी की चीज़ों को असिस्ट करता है, जैसे आपका मेमोरी स्लॉट हो जाते हैं, ये सीरियल पोर्ट हो जाते हैं, पैरेलल पोर्ट हो जाते हैं, या जो कीबोर्ड माउस के पोर्ट हो जाते हैं, या जो पीसीआई स्लॉट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को साउथ ब्रिज सपोर्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें आपस में एक साथ काम करती हैं। वैसे तो सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं, लेकिन इन तीन चीज़ों का रोल सबसे ज़्यादा मदरबोर्ड में रहता है। तो नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज दोनों सीपीयू को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, जिससे कि सीपीयू अपना काम करता है। ये है मेमोरी स्लॉट, जिसे रैम स्लॉट भी बोला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेमोरी स्लॉट है, आप यहाँ देख रहे हैं, इस पर हम रैम लगा देते हैं। तो रैम के जो पैकेज हैं, डिम सिम, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, जो भी पैकेज हैं वो अलग अलग होते हैं। हम रैम पढ़ेंगे तो उसके बारे में, हम पैकेज वगैरह इसके क्या है रैम के बारे में डीपली पढ़ेंगे, तो वो आगे की चीज़ हो जाती है। फिलहाल के लिए है कि ये रैम स्लॉट है, रैम स्लॉट पर आप रैम को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात कर लें तो ये कैपेसिटर आपको दिख रहे होंगे, कैपेसिटर ये गोल गोल खड़े रहते हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, ये कभी आपने देखा होगा। ये तो कैपेसिटर जो है अपने आप में जो कुछ पावर है उसको स्टोर करके रखते हैं, और इनका अलग अलग काम होता है। जब जिस चीज़ को, यानी जिस कॉम्पोनेंट्स को जितनी पावर रिक्वायर्ड होती है, ये अपने आप में स्टोर करते हैं और उसको रिलीज़ कर देते हैं। इसके साथ ही ये इंडक्टर आप देख रहे हैं, एक ये कॉइल पे वायर लिपटा हुआ रहता है गोल गोल, तो ये इंडक्टर हो जाता है। इसका काम भी रेसिस्टेंस करना है करंट को। और इसके साथ आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं कनेक्टर्स की। तो ये पीसीआई स्लॉट आप देख रहे हैं वाइट वाइट, ये वाइट वाइट पीसीआई स्लॉट होते हैं। ये स्लॉट इसलिए होते हैं ताकि अगर आपको अलग से कोई कार्ड वगैरह मदरबोर्ड में लगाना है तो आपको नया मदरबोर्ड ना खरीदना पड़े, यानी अगर आपको कुछ ज़रूरत लगती है तब आप पीसीआई स्लॉट पर डायरेक्ट लगा के अपना काम कर सकते हैं। तो इस पर हम कोई भी एडिशनल चीज़ लगा सकते हैं, कोई कार्ड है, कोई ग्राफिक कार्ड है, कुछ पोर्ट है, कोई वायरलेस पोर्ट लगाना है, कुछ भी लगाना है तो हम यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद आती है बात स्मॉलर आईसी। तो आप ये देख रहे हैं जो छोटे छोटे आईसीज हैं, चिप्स हैं, तो ये छोटे छोटे चिप्स होते हैं और इनका अपना काम होता है, ये अपने अपने वर्क करते हैं, अपनी जिस चीज़ से इनका कनेक्शन रहता है। अब जैसे मान लीजिए ये चिप है, इसका कनेक्शन अगर पैरेलल पोर्ट के साथ है तो ये पैरेलल पोर्ट को सपोर्ट करेगा, और यहाँ इसको असिस्ट करेगा कि भाई तुम्हारा जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे थ्रू पास हो रही है, इसको करंट देना है या जो भी है। तो ये इस तरह से छोटे छोटे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, आईसीज, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, जो कि मदरबोर्ड को डैमेज होने से बचाती हैं। इसको ज़्यादा करंट आ जाता है कभी कभी, तो करंट ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कैपेसिटर है तो वो स्टोर कर लेगा अपने आप में, और रेजिस्टेंस है वो एडिशनल करंट से मदरबोर्ड को बचाएगा, जो कि इसको नुकसान ना हो। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्टर्स हैं सारे, जैसे ये USB है तो यहाँ आप कीबोर्ड माउस अटैच कर सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं। ये सीरियल पोर्ट है तो इस पर रूटर वगैरह इसके साथ लगते हैं, या सीरियल पोर्ट की जो पुराने डिवाइसेस आते थे वो लगते थे। यहाँ ये पैरेलल पोर्ट है 20 पिन, तो यहाँ पे पुराने ज़माने के प्रिंटर लगते थे, पहले के जो DMP प्रिंटर आते थे। इसके साथ ही ये स्पीकर्स के लिए हैं, और ये ID कनेक्टर के लिए है, और यहाँ पे बेसिकली ये छोटे छोटे पिन आप देख रहे हैं, ये जम्पर सेटिंग है। तो यहाँ ये जम्पर सेटिंग होती है PC के, जो ऑन ऑफ है, हार्डेस्ट, LED, रीसेट वगैरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ कनेक्ट की जाती हैं, जो भी वायर होती हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर होती है CMOS बैटरी। तो ये CMOS बैटरी है, CMOS बैटरी के बारे में हम बात कर लें तो ये CMOS बैटरी होती है, जो कि बायोस को पावर बैकअप देती है, जिससे कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन सेव होती है वो लॉस नहीं होती, जैसे कि डेट एंड टाइम। अगर आपका CMOS बैटरी ख़राब हो जाता है तब आपका कंप्यूटर बार बार डेट एंड टाइम चेंज करने का मैसेज देता है, डेट एंड टाइम यहाँ गलत आने लगता है। तो CMOS बैटरी का काम होता है बायोस को बैकअप देना, बायोस को करंट देना, जिससे कि आपका कंप्यूटर बंद होने के बाद भी बायोस में करंट रहता है, यानी ये CMOS बैटरी उसको करंट प्रोवाइड कराती है, जिससे कि कंप्यूटर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस नहीं होती है। CMOS का मतलब होता है एलिमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ CMOS इसके साथ लगा रहता है। इसके साथ ही MOSFET लगे रहते हैं। MOSFET आपने देखा होगा, ये
तीन टांग वाली आईसी भी इसको बोलते हैं जनरली, ये कुछ इस तरह से होता है, ये आप देखना, ये इसको मॉस्फेट बोला जाता है। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फुल फॉर्म इसका है, और इसका काम होता है कि ये अभी मदरबोर्ड को करंट की सप्लाई करता है। तो इस तरह से ये मदरबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें आपने को देखने को मिल जाती हैं। ये साटा हार्ड डिस्क के लिए पोर्ट होता है, ये आप देख रहे हैं, ये साटा हार्ड डिस्क के लिए होता है। तो यहाँ साटा हार्ड डिस्क के केबल कनेक्ट किए जाते हैं जिससे कि डाटा ट्रांसफ़र होता है मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क के बीच में, या जो साटा डीवीडी राइटर वगैरह होते हैं उनके बीच में। ये रैम स्लॉट आपने देख ही लिए, और इसके अलावा छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो मेन मेन जो है इसका ये कीबोर्ड माउस के लिए हो गया, इसके साथ ही यहाँ पे ये स्पीकर वगैरह के लिए भी हो जाता है, यहाँ स्पीकर वगैरह लग जाते हैं। तो इस तरह से ये मदरबोर्ड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक ओवरव्यू है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िकली मदरबोर्ड लेकर आएंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे, आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाएंगे, बताएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि मदरबोर्ड का जो ओवरव्यू है, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, कुछ ना कुछ समझा होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि मदरबोर्ड के अंदर मेन मेन क्या चीज़ होती है, ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और कभी कभी किन्हीं कंडीशन में जब कोई इसका डीपली कोर्स करता है तो वो रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, तो वो आगे की चीज़ें हो जाती हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।